प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप घर में कुशल मंगल होंगे। प्यारे बच्चों, आज जो है हम पेज नंबर 72 में आपका अनुस्वार दिया हुआ है, तो अनुस्वार से रिलेटेड शब्द पढ़ेंगे और अनुस्वार कैसे लगाते हैं, उसका उच्चारण कैसे किया जाता है, जब अनुस्वार शब्द में आता है वो मैं आज आपको बताऊंगी। तो आप सभी एक काम करेंगे, सब कुछ छोड़कर आप बोर्ड पे ध्यान देंगे। अनुस्वार, अनुस्वार का सबसे पहले आपको चिन्ह पता होना चाहिए। चिन्ह मीन्स उसका साइन। उसका साइन कैसे होता है बेटा? ऐसे शिरोरेखा के ऊपर लगाया जाता है अनुस्वार। अब हम स्टार्ट करते हैं, जब हम वर्ड्स में इसको कैसे उच्चारण करेंगे ये हम जानेंगे। सबसे पहला शब्द है हमारा एन। इसकी जो साउंड होती है वो अंकी बिंदी है एक्चुअली, है लेकिन इसकी साउंड क्या होती है? अ, न, अंगूर है, अंगूर। फर्स्ट वर्ड हमारा क्या है? अंगूर। और इसमें अनुस्वार कहाँ लगा हुआ है? यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा अ, न, अंक। इसको कैसे पढ़ेंगे? अंक। अंक मीन्स हिंदी में आपके अंक होते हैं, जैसे अंक मीन्स आपके मार्क्स होते हैं एक्चुअली, ओके। नेक्स्ट है हमारा क, त, न, घ। कैसे प्रोनाउंसिएशन इसकी बेटा? क, त, फिर इसको रीड करेंगे। क, त, न, घ। पतंग, पतंग मीन्स काइट। फोर्थ वर्ड है हमारा हंस। ह, न, स, हंस। हंस जो है वो क्या होती है? स्वैन। और ये जो है एक बर्ड का नेम है। फिफ्थ वर्ड है हमारा झ, न, ड, झंडा। झंडा मीन्स फ्लैग। इसको कैसे पढ़ेंगे? झंडा। नेक्स्ट है हमारा सिक्स्थ है श, न, ख, शंख। शंख ये क्या है हमारा बेटा? श, न, ख, शंख। शंख मीन्स शेल, ओके। नेक्स्ट सेवेंथ वर्ड है हमारा क, न, ध, कंधा। ये हमारे कंधे हैं ना, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शोल्डर्स, ओके। हमारे कितने शोल्डर्स होते हैं? टू। नेक्स्ट एट है हमारा र, न, ग, रंग। रंग मीन्स कलर। नाइन्थ वर्ड है हमारा स, न, ग, संग। संग मीन्स किसी का साथ। टेंथ वर्ड है हमारा क, न, घ, कंघा। कंघा क्या होता है? कॉम, जिससे हम कॉम करते हैं, दैट इज कॉल्ड कंघा। अब प्यारे बच्चों हम यहाँ से पढ़ेंगे। इलेवेंथ है हमारा क, न, द, अंदर। अंदर मीन्स इनसाइड। ट्वेल्थ वर्ड है हमारा ज, न, ग, ल, जंगल। जंगल मीन्स फॉरेस्ट। और थर्टीन्थ वर्ड है हमारा च, न, ल, चंदन। चंदन किसको बोलते हैं हम? जब हम पूजा में भी चंदन का यूज करते हैं, हम जो तिलक लगाते हैं वो भी चंदन का हम लगाते हैं, तो चंदन को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सैंडलवुड, ओके। नेक्स्ट है हमारा 14th वर्ड है ब, न, द, बंदर। बंदर मीन्स एवरीबडी नो मंकी। 15th वर्ड इज ई, न, ज, न, इंजन। इंजन को हम इंग्लिश में इंजन ही बोलते हैं। आपने ट्रेन में देखा होगा कि इंजन कनेक्टेड होता है उसके साथ में ट्रैक पे। 16th वर्ड है हमारा छ, न, चल। चंचल। चंचल मीन्स जो थोड़ा सा चंचल हो, थोड़ा सा शरारती हो, चुलबुला हो, दैट इज चंचल। 17th वर्ड है हमारा शंकर। शंकर जो है बेटा वो एक नाम है और शिव जी को भी हम शंकर बोलते हैं। 18th वर्ड है मौन, जाना, मंजन। मंजन जो होती है वो पाउडर के उसमें आती है टाइप में, और उसको हम अपने टीथ में करते हैं, अपने फिंगर से अप्लाई करते हैं अपने टीथ में, दैट इज मंजन। और ये भी जो है एक तरह से टूथपेस्ट की तरह ही काम करती है, इससे हमारे दांत जो है वो साफ हो जाते हैं और स्ट्रॉन्ग भी बनते हैं, दैट इज मंजन। 19th वर्ड इज घ, न, की, घंटी। घंटी मीन्स बेल। आपका जब पीरियड चेंज होता है या रिसेस होती है तो स्कूल में आप आते थे जब घंटी बजती है ना, दैट इज घंटी, बेल। 20th वर्ड इज अंडा, अंडा। अंडा, अंडा मीन्स एग। सो डियर किड्स, यू हैव टू रीड दीज वर्ड्स वंस अगेन विद प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, सो दैट यू विल एबल टू राइट देम एंड यू विल एबल टू प्रोनाउंस देम प्रॉपरली। प्यारे बच्चों, अब जो है आपने बेटा अनुस्वार वाले शब्द जो है वो बोर्ड पे मैंने आपको बताए। अब जो है हम अनुस्वार वाले शब्दों की जो यहाँ बुक
एक्सरसाइज दी हुई है वो हम रीड करेंगे, उसे अंडरस्टैंड करेंगे, जो कि पेज नंबर 73 पे गिवन है। ओके डियर किड्स, तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, चित्र देखकर उचित शब्द से मिलान करो। एक साइड आपको यहाँ पे दोनों साइड में 3 कॉलम्स हैं, दोनों साइड में आपको चित्र दिए हुए हैं और बीच में जो है इनके नाम दिए हुए हैं। चित्रों को आपने पहचानना है और उनके नाम से मिला देना है। सबसे पहला, जैसा कि आपको करके दिखाया हुआ है ऑलरेडी बुक में, ये है हमारी बेल। बेल को क्या बोलते हैं? घंटी। तो घंटी से मैच करेंगे। नेक्स्ट जो चित्र है हमारा वो क्या है प्यारे बच्चों? यस, एग है ये, अंडा। तो इसको हम जो है अंडा से मिला देंगे। ओके प्यारे बच्चों, अगला जो है इस साइड आते हैं, ये हमारा क्या है? अलग अलग रंग है ना, कलर्स, डिफरेंट कलर्स हैं ये। तो कलर्स को क्या बोलते हैं? रंग। तो प्यारे बच्चों इसको जो है हम रंग से मिला देंगे। ओके, अगला हमारा आता है, ये है हमारा नेशनल फ्लैग। इसको तो सभी बच्चे जानते हैं, तो इसको हम झंडा बोलते हैं, तो हम इसको झंडा से मिला देंगे। अब जो है हम प्रश्न 2 पे चलते हैं। प्रश्न 2 जो है वो है हमारा रंग भरो। रंग मीन्स कलर करना। आपको ये एक पिक्चर दी हुई है, इसमें जो है एक बच्चा है, वो क्या है? पतंग उड़ा रहा है। ठीक है, तो आपको इसमें अपना मनपसंद कलर करना है। ये आपका होमवर्क है डियर किड्स।